सच बता रहा हूँ सच, इरादा दोस्ती का ही था लेकिन मोहब्बत हो गई। दोस्तों प्यार का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की या फिर हो दोनों लड़कियां। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कॉमन है और ऐसे ही एक कपल के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर ये दोनों हैं कौन, क्या ये दोनों लड़कियां हैं, अगर लड़कियां हैं तो ये कपल के जैसे क्यों रहते हैं और कपल वाली वीडियोस क्यों बनाते हैं और क्यों लोग इन्हें इतना ट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषभ खान उर्फ छोटा नवाब और शाइना खान उर्फ शिवानी के बारे में, साथ ही जानेंगे इन दोनों की ये कहानी और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इन दोनों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 2003 को कोटा राजस्थान की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम ऋषभ रखा गया और आज सब इन्हें छोटा नवाब के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में मम्मी पापा और एक भाई एक बहन है। ऋषभ वैसे तो एक नॉर्मल लड़की की तरह पैदा हुए थे और इनकी आवाज़ भी लड़कियों वाली है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे इन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि ये अंदर से कुछ और हैं, ये बाकी सब लड़कियों की तरह नहीं है, ये कुछ अलग हैं। ऋषभ को शुरू से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था, उनके जैसे कपड़े और उनके जैसे छोटे बाल रखना ही इन्हें अच्छा लगता था और ये एकदम लड़के की तरह रहने लगे। इन्होंने अपनी फीलिंग्स और दिल की सुनकर एक लड़के की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया और इन्होंने बाहर से भी अपने आप को एक लड़के की तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इनकी आवाज़ तो लड़कियों वाली है। तो 5 मिनट बात कर लीजिए, बोले चल जाना जब खाना बनेगा ना तब तब। तो मेरे ओपिनियन में इनके लिए लड़का और लड़की वर्ड ना यूज़ करके टॉमबॉय वर्ड यूज़ करें तो वो एकदम फिट होगा। ऋषभ पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इनका स्टडीज़ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। ऋषभ ने सोच लिया था कि इन्हें पढ़ाई से हटकर किसी और चीज़ में अपना करियर बनाना है। तब फिर इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उस समय टिकटॉक का नाम म्यूजिकली हुआ करता था, तब ये 2018 में इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। सिंगल अकेले काफ़ी सारे वीडियोस बनाने के बाद इन्होंने एक वीडियो शिवानी के साथ बनाया जो कि एक कपल वीडियो था, जो कि डलते ही काफ़ी पॉपुलर हो गया और टिकटॉक पर इनकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग हो गई। और जब टिकटॉक बैन हुआ तो इनके ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। दोस्तों शिवानी और इनकी मुलाकात कैसे हुई और इनका क्या रिश्ता है, ये सब जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन शिवानी के बारे में भी। और कैसे शिवानी से शाइना खान बन गई, क्या कारण है इनके इस धर्म परिवर्तन के पीछे, चलिए जानते हैं। सन 2001 को कोटा राजस्थान में एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिनका नाम शिवानी रखा गया। इनकी फैमिली में मम्मी पापा के साथ साथ दो बहनें और एक भाई हैं। शिवानी का भी पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने भी 10th तक ही पढ़ाई की है। ये भी कोटा के उसी जगह से बिलोंग करती हैं, महावीर नगर, जहाँ के ऋषभ हैं। और आस पड़ोस में रहने की वजह से इन दोनों में दोस्ती हो गई। और उस समय ऋषभ टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करते थे तो इन्होंने शिवानी से वीडियोस बनाने के लिए कहा। शिवानी ने हाँ कर दिया और ये दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। शुरू में तो ये दोनों नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह वीडियोस बनाते थे, लेकिन फिर साथ में रहते रहते इन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी। क्योंकि ऋषभ एक टॉम बॉय थे और ऐसे लोगों को सेम जेंडर से अटैचमेंट्स होती हैं, और उधर शिवानी को भी ऋषभ के लिए फीलिंग्स आने लगी। और वीडियोस बनाते बनाते ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, लेकिन शिवानी की फैमिली को जब ये पता चला तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उल्टा इनके पेरेंट्स ने इन्हें बहुत डांटा और वो इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की किसी लड़की से ही प्यार करे। शिवानी ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी लेकिन ये सब चीज़ें पेरेंट्स के समझ के बाहर थीं। और फिर शिवानी ने भी मान लिया कि इनके पेरेंट्स नहीं मानने वाले। तब फिर उन्होंने पेरेंट्स को छोड़ ऋषभ के साथ रहने का ही फैसला कर लिया और फिर अपना धर्म भी चेंज कर लिया और वो शिवानी से मिस शाइना खान बन गई और पेरेंट्स से अलग ऋषभ के साथ रहने लगी। और आज ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और साथ में कपल वीडियोस बनाते हैं और इनके फ़नी वीडियोस तो लोगों को पसंद भी आते हैं।
जिसके कारण इनके सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसमें शिवानी का इंस्टाग्राम मिस साइना खान के नाम से है, जिस पर 642K फॉलोअर्स हैं। वहीं ऋषभ खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 389K फॉलोअर्स हैं। साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम छोटा नवाब है और उस पर 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत लोग इन्हें पसंद करते हैं और इनके कपल वीडियोस को भी काफ़ी लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें कमेंट में ट्रोल और अब्यूज़ करते हैं और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर जैसे कमेंट्स करते हैं। मेरे ओपिनियन में हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ और रिलीजन कन्वर्जन को मैं सपोर्ट नहीं करती। बाकी आपके क्या ख्याल है इन दोनों के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट रीड करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैंने मोहब्बत की है तुझसे, लड़कर कहां ही जाऊंगा। तूने मनाया तो ठीक, नहीं तो मैं मनाऊंगा। दिल से सुनती है।